हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को आपके किताब से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उसको मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ कि अब आपकी परीक्षा जो आगामी होने वाली है उसमें आपके पास कैसे प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे और उनका उत्तर आपको किस तरह से देना है। देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको अपने किताब में कितनी कहानियाँ याद है, कितनी कविताएँ याद है, उसको आप याद कीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वे सारे आपके उसी किताब की कहानी से, उसी किताब के कविता से पूछे गए हैं। अब देखिए, मैं आपको वह प्रश्न भी कुछ देता हूँ, कुछ पूछता हूँ, बताइए मुझे उसका उत्तर कैसे आप देंगे और किस तरह लिखेंगे। हाँ, हेलो बच्चों, देखिए अभी आपको मैंने बताया कि आप उस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। क्लास 4 के बच्चों, आपके लिए मैंने प्रश्न तैयार किया है। उस प्रश्न के आधार पर आप अपनी कहानियों को, आप अपनी कविताओं को याद कीजिए और उसके बाद एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसे स्वच्छता दिवस एक चैप्टर है आपके किताब में, यह स्वच्छता दिवस, देखिए यह स्वच्छता दिवस एक चैप्टर है आपकी किताब में। इस स्वच्छता दिवस चैप्टर से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अब जैसे उस दिन शिक्षक ने स्वच्छता दिवस कैसे मनाया बच्चों के साथ, प्रश्न क्या है, उस दिन बच्चों के साथ शिक्षक ने स्वच्छता दिवस कैसे मनाया। अब याद कीजिए उस कहानी को, बच्चों के साथ क्लास में शिक्षक की वार्तालाप को याद कीजिए। जैसे बच्चे स्वच्छता दिवस के दिन आते हैं, शिक्षक उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं और उन्हें किस चीज़ की के लिए प्रेरित करते हैं। पर्यावरण को साफ रखने के लिए क्या क्या करना है, मन को साफ रखने के लिए क्या क्या करना है, जगह को साफ रखने के लिए क्या क्या करना है, आपको अपनी साफ सफाई पर किस तरह से ध्यान देनी है ताकि बहुत सारे संक्रमित रोगों से आप बच सकें, तो उसके लिए शिक्षक ने आपके साथ कैसे मनाया हुआ स्वच्छता दिवस, इस कहानी को आप याद कीजिए। तो क्या किया उस दिन, स्वच्छता पर लेख लिखवाया, स्वच्छता अभियान की प्रायोगिक कक्षा चलाया, बच्चों द्वारा कार्यक्रम कराया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उस दिन क्या किया था, सारे बच्चों को ग्रुप में बांट दिया गया था। कुछ बच्चों से क्लास की सफाई करवाई गई, कुछ बच्चों से उद्यान की सफाई करवाई गई, कुछ बच्चों से मानसिक सफाई के लिए, मानसिक शुद्धता के लिए योग का भी क्लास किया गया। इस तरह से बच्चों के साथ शिक्षक ने क्या किया, तो प्रायोगिक कक्षा चलाकर बच्चों को प्रेरित किया। ये हो गया आपका उत्तर। उसके बाद देखिए बच्चों ने उस दिन क्या क्या किया, प्रश्न में है कि बच्चों ने उस दिन क्या क्या किया। तो बच्चों ने उस दिन सभी कमरों के कोने कोने को साफ किया, कुछ बच्चों ने ध्यान किया, सभी ने संकल्प लिया प्रदूषण को दूर करने का, और चौथा सभी। अब देखिए इसमें से तो सारे बच्चों के द्वारा किए गए कार्य ही हैं, क्योंकि शिक्षक ने क्या किया था, तो बच्चों की टोलियां बना दी थी। कुछ बच्चों से एक काम करवाया गया, दूसरे बच्चों से, दूसरी टोली से दूसरा काम करवाया गया। इस तरह से ये सारे काम बच्चों के द्वारा किए गए थे। इस तरह से यह आंसर आपका क्या होगा, तो आपका आंसर अंतिम ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद एक कविता है कोयल। यह कोयल कविता किसने लिखी है, कोयल नामक कविता जो है उसको किसने लिखा है। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस चार ऑप्शन में आपको दिया गया है, एक नाम है महादेवी वर्मा, दूसरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, और चौथा कोई नहीं। तो इसमें से अब चार ऑप्शन आपको याद कीजिए, उसका कविता को उसके नीचे, कविता के नीचे रेड अक्षर में लिखा गया था उनका नाम, याद कीजिए, तो आपको याद आना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं आज आपको बता देता हूँ, उसका राइटर, उसके कविता कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस तरह से अब आप इसको याद कीजिए और पढ़िए।